How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit, nahi, lad, yeah, lad. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली एंड वेलकम बैक टू अनदर लैड व्लॉग। आज जिस महान हस्ती की गाड़ी हम आपके लिए लाए हैं, उसका एक रिव्यू लाए हैं, वो हकीकी मायनों में एक इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान के। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जुनेद अकरम। तो आए चलते हैं, जुनेद भाई से बात करते हैं अबाउट इज न्यू सिविक। माशाल्लाह लुक्स अमेजिंग एंड लेट्स फाइंड आउट। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट एंड लाइक दिस वीडियो। समझने मतलब सारी चीज़ें ज़रूरी करनी होती हैं। स्लैड बेबी, लेट्स गो। अच्छा जी, वी आर विद द मिथ द लेजेंड जुनेद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मिथ क्यों कह दिया भाई? मैं क्या मिथरा हूँ, क्या हूँ? एंशिएंट गॉड हूँ मैं, क्राटोस हूँ, क्या हूँ? मिथ क्यों बोला? लेजेंड है। हाँ, लेजेंड तो है भाई। आज जो है हम जुनेद भाई के साथ उनकी नई सिविक में। तो जुनेद भाई, ये बताएं कि ये ओवरनाइट सक्सेस को कितना टाइम लगा? यार ये लोग बड़ा बोलते हैं यार ओवरनाइट सक्सेस, इसको बड़े बड़े साल लगे। 20 साल से तो हम काम ही कर रहे हैं, 9 साल से तो हम वीडियोस ही बना रहे हैं। तो इट्स ग्रेजुअल, इट टेक्स टाइम, लेकिन लोग जो है ना जर्नी नहीं देखते, बस वो रिजल्ट देखते, कहते हैं अरे वाह यार रातों रात हो गए। अरे भाई रातों रात कहाँ यार, इतनी रातें काली की बाली गायब हो गए। धूप में सफ़ेद नहीं किए और धूप अब तो डायरेक्ट लग रही है, हेलमेट गर्म। अच्छा ये बताएं कि आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? मतलब यार, मेरी पहली गाड़ी थी मज़दा 3। दुबई में मैं जब रह रहा था, असल में मुझे गाड़ियाँ चलाने नहीं आती थी, और मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था डेटिंग गेम में कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी और फिर चलाने भी नहीं आती थी कि किसी दोस्त से बंदा मांग ले। दोस्त ने एक बार अपनी खैबर दी सिखाने के लिए, एटीएम के बाहर नहीं है वो मेस, ऑफिसर्स मेस, बस वहाँ चलाता रहा वो, मैं मुझसे समझ ही नहीं आया। एक ही बार सिखाई उसने, हाँ मैनुअल। फिर एक बार मैं लाहौर में जब मैं रह रहा था 2011 में, मैंने सीख ली थी। अरे वो बंदा भाई, उसने मुझे खाली रोडों पे चलवाई, कभी ट्रैफिक में नहीं लेके गया। मेहरान लेकर आता था सुबह 9 बजे। अबे सुबह 9 बजे उठा देता था कि गाड़ी सीखो वो। और एक दिन उसने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे आ गई, और वो ले गया गौर में मिठाई ले आओ। अब मेला मुझे रोड पे तो लेके जा, कह रहे हो गया आपका टेस्ट क्लियर है। अरे बहन की यहाँ तो हाँ, तो मैं कभी गाड़ी आती नहीं थी। फिर मैं व्हेन आई मूव टू दुबई, तो वहाँ तो ज़रूरी था, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू ड्राइव, क्योंकि काम में अगर आप सेल्स की जॉब कर रहे हो तो यू हैव टू हैव अ कार। तो वहाँ मैंने भी ड्राइविंग सीखी, और वहाँ मुझे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला कभी पाकिस्तान में गाड़ी चलाइए। मैंने नहीं, कह रहा फिर तुम्हें फॉरेन लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने क्यों? कह रहा क्योंकि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से चलाते हुए आते हैं ना मिडल ईस्ट, वो वहीं की तरह चलाते हैं बगैर शीशे देख के, इधर घुसा दी उधर घुसा दी, वो फेल होते रहते हैं। और वही हुआ मुझे पहली ट्राई में आपके भाई। अच्छा? को पहली ट्राई में भाई दुबई का वीजा, दुबई का लाइसेंस, इट्स लाइक फकिंग एमबीए भाई। तो पैसे भी उतने ही लगते हैं, 9000 दिरहम लगे थे मेरे, 2013 की बात बता रहा हूँ। सो जब मुझे वो मिला, फिर उसके बाद सेल्स में आपका भाई जीता था। तो आपके भाई ने एक ब्रिटिश बंदे को एक प्रोजेक्ट बेचा था, और उसका कमीशन इतना टाइट था कि मज़दा 3 आ गई आपके भाई की। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यार, अरे भाई ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल। ड्रीम मेरा मज़दा 6 था, मगर मज़दा 6 थोड़ी औकात से आउट थी। अब ज़ाहिर है लिमिटेड सैलरी है यार, जिस उस सैलरी की वो फाइनेंस करवानी थी ना, तो उस हिसाब से हमें पता था भाई इतने ही मिल सकते हैं पैसे बैंक से। तो वो फाइनेंस फिर हमने करा के मज़दा 3 ले ली थी, ब्रांड न्यू। तो वो जबरदस्त गाड़ी थी उसकी, क्या स्मूथ ड्राइव थी। और उसमें जो फीचर था ना एक, आज लोग फ्लेक्स करते हैं, मेरे पास 2012 में वो फीचर था, वो जब दरवाजा नहीं खोलते और वो लोगो आता जमीन पे। अबे भाई ऐसे ऐसे क्लबों में गया हूं मैं, और जब वो वैले वाला लेकर आता था ना, अबे अरबी उछल गए। मैं वो ग्रोवीनर हाउस है उधर JBR में, वहां पे क्लब है एक्सेल क्लब, तो उसकी हम वैले पे खड़े थे। अब भाई वहां आ रही है मज़राटी आ रही है, फिर फेरारी लाइन में लगी है, लैम्बो, अबे उसमें बीच में बिचारी मेरी छोटी सी सेडान। लेकिन जब उसका दरवाजा खोला ना वैले वाले ने, और जब जमीन पे वो प्रोजेक्ट हुआ, अबे बैटमैन वाला लोगो भाई। अबे अरबी उछल गया, वल्ला
where you get this? So मैंने बोला I got it from Japan. कह रहे oh nice. मिला you wanna exchange the car? रे ला 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 अभी भी ना ला ला. I love my Aston Martin. तो वो feature भाई 2012 में तो खैर that was just one small feature. उसके अलावा भी यार गाड़ी मुझे वहां अंदाजा हुआ यार कि हम जो पाकिस्तान में जो यहाँ गाड़ियां बिकती हैं अबे घंटे कोई फीचर ही नहीं होते आज तक वो शीशे ये वाले आते हैं यहाँ पे अबे भाई एयर बैग नाम की चीज नहीं होती उसने अबे भाई उसमें इतने बहुत जबरदस्त फीचर्स थे इट वाज अ लवली कार एंड आई लिटरली क्राइड व्हेन आई सोल्ड इट जब मैं दुबई छोड़ के आ रहा था तो एक जॉर्डेनियन को गाड़ी बेची अच्छा वो जॉर्डेनियन भी क्या कह रहे मैं फलस्तीनी हूँ अना फलस्तीनी कम पैसे करो अरे भाई वो फलस्तीनी कार्ड खेल रहा था वो बाद में जब पेपर वर्क हुआ तो मुझे बैंक वाले ने बताया तो जॉर्डेनियन है अरे मैंने बोला यार देखो ये भी कसम से ये भी ना वो मंजन बेच रहे हैं तो आई लिटरली किस्ड माय कार मुझे अच्छी तरह याद हाँ हाँ यार उसको मैंने गाड़ी को यहाँ पे हाँ गाड़ी से उतरा और यहाँ पे उसको मैंने प्यार करके खुदा हाफिज किया फिर टैक्सी करके वापस दफ्तर आया अबे यार इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कार तो वो मेरी पहली गाड़ी थी फिर मैं कराची मूव हुआ तो यहाँ कुछ अरसे तो मैंने रेंटल चलाई टेढ़े मेढ़े डब्बे अजीब अजीब से हुए वो नहीं सुनील शेट्टी वाले अबे वो एक एक था कार रेंटल वाला वो कोई फैन ही था तो वो स्नैपचैट से मिला था उसने बोला मैं आपको दे जाऊंगा बेहतरीन गाड़ी अबे वो बिल्कुल स्क्वायर डब्बा वो जिसमें सुनील शेट्टी लड़कियां उठाता था अबे वो दे गया मुझे अच्छा मैंने भी वो ले ली मैंने बोला खैर है यार बस काम होना चाहिए तो वो 2000 पर डे पे मैंने वो महीना रखी गाड़ी वो फिर मुझे दोस्त बोलते थे यार तुम मशहूर आदमी हो अच्छा नहीं लगता क्या डब्बे से उतर रहे हो तुम क्या सुजुकी पता नहीं क्या थी अजीब मुझे इस गाड़ी का नाम एवरी टाइप हाँ वन ऑफ दोस कार्स फिर मैंने बोला यार अब यहाँ रहना ही है तो गाड़ी तो चाहिए फिर मैंने मीरा ले ली लाल वाली वो भी मैंने इसलिए ली क्योंकि यार मैं थोड़ा सा इको फ्रेंडली आदमी हूँ कि यार कराची में वैसी लगाने की जगह नहीं मैं इतना बड़ा डाला लेके घुस जाऊँ हर जगह स्पेस नहीं है फिर वो एनवायरमेंट वाली फीलिंग भी थी अबे लेकिन मैं स्टूपिड था भाई अबे भाई जैसा देश वैसा भेस जो मुल्क होता है नहीं भाई उस हिसाब से चलना होता है अबे रिक्शे वाले लानत देते थे मुझे बाइक वाले भी देते बाइक वाले ये पीछे से ना ये वाली अबे यार रिवर्स लानत कसम से भाई रिवर्स लानत तो वो कहीं भी जो अच्छा पुलिस हर जगह रोक ले छोटी गाड़ी है ना तो अंदर छोटा आदमी होगा यहाँ पे ये सोच है जितनी बड़ी गाड़ी लाइक हाँ साइज मैटर्स एग्जैक्टली तो वो भाई पुलिस भी रोके जगह जगह खैर वो तो फिर पहचान लेते थे तो फिर वो कोई मसला नहीं हुआ कभी मगर ये कि इनकन्वीनियंस बहुत ही छोटी गाड़ी रखने की हालांकि इट वॉज वेरी गुड अबे उसका मतलब 2000 का पेट्रोल फिल होता था पूरा हफ्ता चलती थी यार ये नहीं सवाल ही नहीं पैदा इसका एवरेज अभी हम देख रहे थे कि देखो अभी 7.5 है हालांकि यूजुअली सिविक का कितना आप कह रहे थे 11 से 12 तक आ जाता है आप हल्के पैर से चलाओ वो आपका भाई मंड रहे थोड़ी सी भाई अब क्या कह रहे यार अब भाई भाई 660 से मैं डायरेक्ट 1800 सीसी पे आया हूं तो 3x हो गई है पावर तो यार पैर रखता हूं निकलती है मजा आता है लेकिन सेफ चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो लेकिन ये कि हां इसका एवरेज करते हैं बराबर कल नूरियाबाद जाके थोड़ा अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाई सिविक व्हाई नॉट Let's say any other brand car या आपको मतलब शौक था सिविक रखने का या कम्फर्ट वाइज मतलब क्या वो एक डिसीजन क्या था आपका बाइंग डिसीजन क्या था इस गाड़ी को लेने से पहले यार थोड़ा तो मैं जाहिर है अपग्रेड भी चाह रहा था गाड़ी का पर्सनली भी और वैसे भी यार पाकिस्तान में ना गाड़ी इन्वेस्टमेंट होती अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है इन द सेंस के आपके पैसे सेफ ही रहते हैं कहीं जाते नहीं है तो इट्स अ वे ऑफ पार्किंग योर मनी बैंक में रख के डी वैल्यू करने से बेहतर है बंदा गाड़ी ले ले और वो एंजॉय भी कर लेता है और वो इतना नुकसान भी नहीं करती इन द लॉन्गर रन सो मैं देख रहा था ऐसी रेंज की गाड़ी यार मुझे पसंद थी विजल और एक्वा मुझे बहुत पसंद थी हाइब्रिड इंजन हाँ अगेन वही इको फ्रेंडली वाली बात सोच वहीं तक जाती है ग्लोबल वार्मिंग है भाई पानी नहीं है दुनिया में और गर्मी भी बढ़ रही है तो हम उस तरह सोचते हैं हालांकि छोटा सा इनपुट है लेकिन है तो सही इनपुट तो अब मसला ये है उन गाड़ियों के शीशे और पैनल बहुत चोरी होते हैं अब ये बात मैं वो शारिक को हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद में उनको मैं बता रहा था कि मैं इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसके शीशे वो कह रहे ये क्या प्रॉब्लम है भाई प्रोसेस ही नहीं कर पाया वो आदमी वो आदमी का वो सिस्टम एरर हो गया 404 आ गया कि मतलब वो नहीं वो एक्स फाइल वाला म्यूजिक और वो मैथमेटिकल इक्वेशन आ रही होती है कह रहे
ये प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज दैट? मतलब ये है, आप हालात अपडेट पे रोज देखो, रोजाना लोगों ने पोस्ट लगाई थी बेचारों का नुकसान हुआ, एको और वेजल, एको और वेजल, वो पूरा पूरा पैनल उतार के ले जाते हैं, 3-4 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा। नहीं देखो ठीक है, बंदा इंश्योरेंस करा सकता है, नहीं नहीं, मगर इट्स एन इनकन्वीनियंस, मतलब दिल दुखता है यार, आपने इतनी मेहनत से लाखों रुपए लगा के, मतलब आपने इतना पैसा जमा किया है, ज्यादातर तो हम लोग मिडिल क्लास लोग है ना, मेहनत करके करके अपग्रेड किया है, गाड़ी ली है, प्यार से रखी है, और आप आए हो दफ्तर से निकले हो बाहर और गाड़ी का ढांचा खुला हुआ है पूरा, बुरा लगता है यार। तो अब मैं इस वजह से वीजल और एक्वा ले नहीं पाया, क्या रहना कराची में और ये इसका कराची का तो पार्क तो यही करनी है, अब हर वक्त तो मैं एक और गार्ड तो ले नहीं सकता है गाड़ी के लिए कि वो साथ खड़ा हो उसके। सो फिर मैंने उसमें, फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने बोला सेफर ऑप्शन वुड बी असेवे, तो मैं फिर इस तरफ आ गया, एंड थैंक्स टू वावा कार्स मुझे एक अच्छी डील भी मिल गई, एक्सचेंज ही कर ली गाड़ी, तो एक बड़ी अच्छी स्मूथ डील हो गई, हाँ बहुत कन्वीनियंस। तो ओके की रिपोर्ट है और पूरी तरह अच्छी तरह चेक करके, और बहुत अच्छी चली हुई है, हूएवर वाज द ओनर, हाँ बहुत अच्छी उन्होंने रखी हुई है, मेंटेन की हुई है, और बिल्कुल ऑन सीन है। अच्छा मुझे बताएं कि इस गाड़ी के आपके कोई फीचर जो आपको बड़ी पसंद आई हो, आपको 2 महीने तो हो गए ऑलमोस्ट रखे हुए, तो कुछ ऐसी फीचर जो आप कहते हैं यार बड़ा मजा आता है ये करके? यार स्पोर्ट्स मोड पे चलाने में है, मजा तो आता है, गाड़ी सही निकलती है, मजे वाली। मेरे दोस्त के पास है लेक्सस IS 350 या LS 350, वन ऑफ दोस कार्स इन दुबई। सो आई रिमेम्बर जब उसने वो गाड़ी ली थी लेक्सस, और जब मैं उसमें पहली बार बैठा था और हम वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकले थे, तो जब उसने स्पोर्ट्स मोड में खींची थी ना, अरे भाई मुझे लगा मेरे नीचे से गाड़ी चली गई। वो नहीं कार्टून में वो वहाँ वो गाड़ी नहीं नहीं पीछे तो होती है वो नहीं बग्स बनी ऊपर हवा में रहता है और गाड़ी चली जाती है, मुझे वो फीलिंग आई कि गाड़ी गई कहाँ, हालांकि मैं गाड़ी के अंदर ही था। तो दैट फीलिंग मुझे आज तक नहीं भूली, तो वो उसके बड़ी क्लोज फीलिंग स्पोर्ट्स मोड ने मुझे इसमें दी। गाड़ी बहुत निकलती है यार, और अभी तक कभी लॉन्ग ड्राइव जाने का इत्तेफाक हुआ नहीं, मैक्स टू मैक्स बैरियर टाउन तक मैं गया हूँ, लेकिन इसको अगर हम उरमारा जब हम गए थे न्यू ईयर पे, अगर ये होती यार बहुत मजा आता, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा होता। तो मीरा भी ले ही गया था मैं वहाँ, 6 घंटे दूर भाई मीरा पहुंचा दी थी मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी गाड़ी थी यार वो भी। तो ये सनरूफ जो आपको पसंद आता होगा, हाँ ये हेलमेट हल्का हल्का गर्म सेक आ रहा होता ना हेलमेट पे, तो वो थोड़ा सा अच्छा फीचर है, थोड़ा सा ना एरी हो जाती है गाड़ी, रूमी लगती है, तो हाँ दैट फीचर इज ऑल्सो गुड। और उसके अलावा अभी इतना एक्सपीरियंस किया नहीं है लॉन्ग तक, मैं लॉन्ग ड्राइव अभी की नहीं है, लेकिन ये कि इसकी रोड ग्रिप हो गई, ABS अच्छा है इसका, मैंने वो खाली सड़क पे टेस्ट करने के लिए जस्ट इन केस कभी इमरजेंसी में कुछ करना हो, ब्रेकें मैंने की हैं, बहुत अच्छी ग्रिप है और बहुत बड़ी उसकी अच्छी तरह रुक जाती है, तो ये चीजें देखने की होती हैं। टायर वायर अच्छे डले हुए इसमें, हाँ तो टायर भाई वॉसन व्हील्स हैं, वॉसन है भाई। तो अच्छा मुझे ना टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट मुझे गाड़ी का कुछ नहीं आता, सो अली वॉज द पर्सन, इसी को मैं फोन करता था भाई मेरे साथ चल आके देख ले, ये इसका डिसीजन ही है, ये टायर देखना इंजन विंजन, ये मुझे बस इतना पता है भाई ये ई के करीब कांटा आ गया है, ये बटन दबाना है, इसमें तो खैर बटन भी नहीं है, और पेट्रोल डलवाना है, दैट्स ऑल आई नो। यार आप यकीन करो जब मेरे पास वो मज़दा 3 थी तो मैं बड़ी टाइमली, मेरी वो मज़दा के साथ डील थी, तो वो सर्विस हर महीने गाड़ी जाती थी सुबह शाम को, ओके ओके आती थी। सो वन ऑफ दोज मंथ्स मैंने डिले कर लिया, तो वो जो पानी होता है ना विंडस्क्रीन का वो ख़त्म हो गया था, और मेरी गाड़ी को लिए हुए मुझे 1.5 साल हो गया था, मैंने 20 मिनट लगाए बोनट खोलने में, दोस्त को फोन करना पड़ा कि ये खुलता कैसे, यहाँ से तो मैंने वो ढूंढ लिया था उसका लीवर, लेकिन वो वहां पे उंगली कहाँ डालनी है, अबे भाई शारजा की गर्मी में 20 मिनट खड़ा रहा, क्योंकि वो मिट्टी बहुत थी तो वो साफ किए बगैर चला ही नहीं पाता मैं, बहुत गंदी हो रही थी गाड़ी। तो अबे मैं वो पानी की बोतल लेके खड़ा हूँ, मुझे उसका वो मिल ही नहीं रहा, अब मैंने फोन किया फाद को,
कि भाई ये कहाँ होता है, कह रहा है उसके करीब ही होता है, ये चीज फील करेगा उसको थोड़ा सा यूं दबा, अरे भाई 20 मिनट लगा दिए। तो ये हाल है मेरा गाड़ियों से रिलेटेड, मुझे गाड़ियों वाड़ियों का कुछ नहीं पता। सो अली ने मुझे ये सारे वॉसन व्हील क्या होता है और ये क्या है वो क्या है सारा अली ने ओके किया है। तो माशाल्लाह नाइस कार, टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, दैट इज ऑल जेन्युइन जेनियन गाड़ी है। अच्छा तो ये बताएं कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करने का मूड है इसके ऑन टॉप ऑफ दिस? यार वो अगर आप लोगों को याद हो डिटेलिंग जंक्शन में मीरा लेके गया था, उन्होंने बड़ी अच्छी डिटेलिंग की थी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेके जाऊँ और इसकी थोड़ी प्रो मैक्स लेवल की डिटेलिंग, मतलब वो PPF एक होता है, वो जो कोटिंग शीट होती है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, वो क्योंकि यार कराची में एक तो देखें आपको पता ही है कि पत्थर बहुत उड़ते हैं, चाबी मार के चले गए बच्चे, ये भी बड़े मसले हैं यहाँ पे, पत्थर उड़ के बहुत आता है क्योंकि सड़क पे होते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो है, लाइट्स को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कराना है, फेसलिफ्ट जिसको कहते हैं, ग्रिल को जरा मैंने देखना है, तो ये चीजें, हाँ थोड़ा सा स्पोर्टी लुक मैं इसको देना चाह रहा हूँ। उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं भाई 3 दिन के लिए आप हमें दे दो, हम आपकी गाड़ी प्रो मैक्स कर देंगे। मसला ये मैं यार गाड़ी के बगैर जिंदगी का गुजारा नहीं है, तो अभी मैं हाँ वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरा लाहौर इस्लामाबाद का या कोई इंटरनेशनल ट्रिप अगर आता है तो मैं गाड़ी दे जाऊंगा उनको और वापस आऊंगा तो चकाचौंध हो जाएगी। तो बस वो मैं किसी ट्रिप का वेट कर रहा हूँ ताकि पीछे ये काम भी हो जाए जबरदस्त किस्म का। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें और अगर हम मीरा में कंपैरिजन करें तो इसमें और उसमें आपको कोई एक जो मेजर डिफरेंस जो काफी आप खुश हों इस बात से कि यार ये हो गया जिंदगी में मैं काफी खुश हूँ वो क्या है? यार यू विल फाइंड इट फनी, मगर यार पुलिस हाथ ही नहीं देती कसम से, मेजर लॉकडाउन अच्छा? चल रहा है आपको पता है, नाके लग जाते हैं शाम को, सबको रोका हुआ होता है यार, रोकते ही नहीं है। मैं लाइक यार देखो कानून तोड़ने वाली बात नहीं है, मैं तो खैर मेरा दफ्तर ही वही है जहाँ पे चौकी लगी होती है और हम जरा हमारे वर्किंग आवर्स थोड़े लेट हैं, कानून नहीं तोड़ते घर ही जा रहे होते हैं, इनकन्वीनियंस जो होती है ना कि वो शीशा उतारे नीचे आए गाड़ी चेक कराएं, वो मीरा में बहुत होता था और इसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अबे हाथ ही नहीं देती पुलिस। तो और देखे वीडियोस, मैं वो अब्बू को भी यही बता रहा था कि यार देखे हम दिस इज अ सोसाइटी वी लिव इन वेयर पीपल आर जज्ड बाय नॉट व्हाट हु दे आर बट व्हाट दे हैव। तो भाई मेरी तो जिंदगी बेहतरीन हो गई भाई, पुलिस जब हाथ ही नहीं दे रही कहीं नाकों से, मैं यूं यूं करके निकल रहा हूँ आराम से, तो लाइफ इज ग्रेट मैन। तो लाइक दैट्स द बेस्ट फीचर, सिविक का बेस्ट फीचर है। वो लोग कहते हैं जी वो सिविक वाला लौंडा बन गए और पेज, हम तो खैर उस उम्र से निकल चुके हैं, आगे की बात हो गई अब तो बहुत, तो अब हम वो कहते हैं ना वो अंकलों वाले मजे ले रहे हैं तो हमारे वो जाहिर है जब आप यंगस्टर होते हो तो आपका थ्रिल लेवल किसी और चीजों में होता है, जब अंकल हो जाते हो आप तो आपका थ्रिल लेवल हो जाता है कि जी पॉलिटिक्स क्या है, पानी की मोटर सही चल रही है ये हो जाता है ना आपका लेवल तो हमारा भी अब ये हो गया कि यार कम से कम पुलिस नहीं रोक रही। तो ये अभी आपने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी कर ली सिविक में, वैसे दैट्स प्रीटी नाइस। अभी हम जा रहे हैं इसको क्या आप कहते हैं, डेविल्स पॉइंट कहते हैं इस जगह को, आई थिंक सी व्यू प्लस मैं बोलता हूँ, सी व्यू तो बंद पड़ा है मगर ये सब खुला है, यहाँ नहीं है कोरोना इधर नहीं आता, पता नहीं क्या है, लेकिन ये अच्छा पिकनिक स्पॉट है इन द सेंस कि यहाँ तो एक वेव मुंह तक आती है, ये बड़ा अच्छा मजा आता है। हाँ हाँ हाई टाइड जब होती है मुंह पे आता है पानी भाई, ये देखो फैमिली है छोटा सा बन गया, बॉन्ड भी लाए हुए, आइसक्रीम भी बिक रही है भाई। दिस इज द व्यू दैट यू गेट इन कराची, हम उस रोड पे जाके ड्राइव भी कर सकते हैं बट वहाँ थोड़ी आवाम ज्यादा है, बट यस दीज आर द पर्क्स ऑफ लिविंग इन कराची फॉर माई पीपल। ब्यूटिफुल देखो ना यार ये काफी काम, ये बहुत आपको बहुत सुकून, अगर आप वहाँ बैठ जाओ। हाँ यार एक टाइम अच्छा था जब ये ना मोबाइल छीना झपटी इतना नहीं था, तो हम सारे बॉयज बाइक पे इधर ही आते थे, उधर ये विलेज के बाद एक दीवार है वहाँ क्या आराम से बैठते थे, पानी उड़ के मुंह पे आता था गर्मी जितनी भी हो, यहाँ पे तो हवा ही चले, तो बहुत अच्छा होता था। अब यार सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये, तो वी वांट दैट कराची बैक। हाँ यार अब हर वक्त डर ही लगा रहता है क्योंकि अब जाहिर है जेब में फोन तो होते ही हैं, तो वो हर बंदा 2-3 लाख लेके घूम ही रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, अदरवाइज ये बड़ी बहुत कामिंग एक्सपीरियंस होता है यार, पानी को आप देखते रहो
जबरदस्त मजा, थोड़ा सा आपको कराची भी घुमा दिया हमने इस वीडियो में। अच्छा जुनैद भाई, बहुत मजा आया आज। ये बताएं लास्ट क्वेश्चन के अब आपके पास सिविक तो आ गई है, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, अगला कौन सा प्लान है, कोई क्रॉसओवर एसयूवी टाइप गाड़ी का अपग्रेड क्या करेंगे? हाँ ऑब्वियसली अपग्रेड तो करनी चाहिए, अभी फिलहाल तो मैं इसका शौक पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट आई माइट गो फॉर स्पोर्टेज, तब तक उतने वसाइल भी पैदा हो जाएं और ये कि वो रामेश के पास भी है तो इट्स अ गुड कार। तो आई से गोल अभी जो मुझे जो समझ आ रही ना गाड़ी वो ऑडी की ई-ट्रॉन मुझे बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल, और मैंने उसकी काफी तारीफ सुनी है, मगर वो थोड़ा सा रेंज से काफी आउट है, तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो स्पोर्टेज से शुरू करेंगे हम और उसके बाद मे बी फॉर्च्यूनर और समथिंग अलोंग दोज लाइंस, और फिर ई-ट्रॉन फिलहाल का गोल है यहाँ का, पाकिस्तान का। इंग्लैंड में तो मैंने जाती टेस्ला लेनी है, टेस्ला बिल्कुल रेडी खड़ी है, बस वो मेरी थोड़ी सी सुस्ती है, प्लस मैं वहाँ जो है ना लंबा ठहर नहीं पा रहा, मुझे आना पड़ता है, तो मैंने बेगम को यही बोला भाई मुझे अगर इंग्लैंड में रखना है तुमने तो लेट मी बाय अ टेस्ला, मैं और नहीं रुक, मतलब फिर वरना फिर ये कि मैं दैट वुड बी अ गुड मोटिवेशन फॉर मी टू स्टे देयर। तो मैंने टेस्ला का मॉडल एस देखा हुआ है वहाँ पे रेड में, मगर बेगम कह रही नहीं ब्लैक में लो। तो वैसे जाना तो मॉडल एक्स पे चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, तो वो ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन वो बजट से थोड़ी सी आउट है, तो मेरा लेट स्टार्ट विद मॉडल एस, तो वो इंशाल्लाह क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं अली के चैनल पे बात बता रहा हूँ, अभी तक अपने चैनल पे ये बात मैंने नहीं की है। आपको याद होगा मैंने एम्स्टरडैम पे एक वीडियो बनाई थी जब मैं वहाँ घूम रहा था और लोग कह रहे थे जी बड़े मज़े हैं, और मैंने फिर उसमें बड़ा एक्सप्लेन किया लंबा के जी मज़े पैदा किए हैं मैंने, पैदा करता हूँ मैं। तो उसी दिन वो डैम स्क्वायर पे हम खड़े थे मैं और मेरी बेगम, वहाँ पे टेस्ला का एक शोरूम था, और हमेशा वो कहते ना कि भाई वो वेल्थ आने से पहले वेल्थ एक्सपीरियंस किया करो, अच्छे सूट पहन के महंगे होटलों में जाओ, नहीं मंगाओ कॉफ़ी, बैठ जाओ लॉबी में, मैरियट में जाके बैठ जाओ, एक्सपीरियंस करो, ठीक है मर्सिडीज़ के शोरूम में चले जाओ, गाड़ी में बैठो, एक्सपीरियंस करो, फील हाउ लाइक यू नो हाउ इट फील्स लाइक टू बी अ रिच पर्सन, राइट, और फिर आपका दिमाग उसी तरह रिवायर होता है और फिर आप मेहनत करते हो। तो मैं उस दिन उसी वीडियो के फौरन बाद टेस्ला का वो शोरूम था अली, वहाँ पे मैं मॉडल एस में बैठा हूँ, एंड आई कुड फील के यार दिस विल बी माय कार, और मैंने अपने आप को 3 साल दिए कि मैंने 3 साल के अंदर आई नीड टू गेट अ टेस्ला, ठीक है। अब वो बीच में आ गया मनहूस कोविड, तो वो मेरा 1 साल वो खा गया है, तो हाँ, तो उस वीडियो को जुलाई में 2 साल हो जाएंगे, 18 जुलाई को बनाई थी, मेरी बर्थडे थी उस दिन, तो अभी अगले महीने इसको 2 साल हो जाएंगे, तो यानी 3 साल का जो टारगेट है बस ये 1 साल रह गया मेरे पास, टेस्ला इंशाल्लाह, ये भी मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ, असल जो फिर वहाँ पे जो आएगी ना ये वो फिर सेक्सी व्लॉग होगा एक, वो देखने वाला होगा इंशाल्लाह ताला। दुआएं चाहिए, सपोर्ट चाहिए यार, देखो यही चीज़ें ये ना, दीज थिंग्स मेक यू फील के मैं कोई मेहनत की है मैंने, लाइक यू नो आई मेड अ मार्क इन लाइफ, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स होती ना ये टेस्टमेंट होती हैं आपकी मेहनत का, तो सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने आप को भी करना चाहिए सेलिब्रेट, तो मैं इस तरह सेलिब्रेट करता हूँ अपने ख्वाब पूरे करके, जी लिम बिस्किट जाके देख लिया, बचपन का ख्वाब था लिम बिस्किट देखना है, देख लिया, बॉन जोवी देख लिया, मेटालिका, ये वो सब, यू नो, तो ये चीज़ होनी चाहिए, गोल रखें भाई और उस पर फिर लगे रहें। तो भाई हम तो अली गवाह इस बात का, 7 दिन लगे रहते हैं हम तो भाई, क्योंकि भाई छुट्टियाँ यहाँ नहीं, अबे भाई छुट्टी मना यहाँ मनाऊँ छुट्टी हैं, नागन चला जाऊँ छुट्टी ले, अबे खल्ली वल्ली भाई मालदीव जाएंगे छुट्टी लेके, छुट्टियाँ जमा करते हैं और फिर कहीं और जाके छुट्टियाँ वो यूज़ करते हैं। मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, जितने भी बच्चे हैं 20s में, 20s इज़ योर वर्क योर एस ऑफ, ठीक है, ज़िंदगी में ये वाले मज़े चाहिए 30s 40s में, तो 20s में देना है, दबा के रगड़नी है अपनी, मज़े नहीं कि ओवरनाइट क्रिएट नहीं होते, बहुत टाइम देना पड़ता है। अब आजकल तो आप लोग भाई इंटरनेट है, फ्रीलांसिंग है, अमेजोन है, यू गॉट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, तो ये जो आप देखते हो ना कि यार हमें भी मुरू भाई वाली लाइफ चाहिए यार, आज इधर कल उधर, अली भाई इधर दुबई में फिर लैट हो रहा है, या फिर मुबीन भाई टर्की में सीरीज, जुनेद भाई यूके में, ये वाले इनके पीछे बहुत सालों की मेहनत है, तो वो करनी है आपने, और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो वी आर ऑलवेज हियर मैन। नाइस, चलें जी जुनेद भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू जुनेद भाई चैनल, ये नीचे लिंक आ रहा है, अली भाई का चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, नहीं किया तो जरूर। यस,
It's Lad Baby. Lad Thank you for watching. Lad, nahi Lad. Is Lad. Is Lad. Yeah. Lad. 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 Is Lad. Yeah. Lad. 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 Is Lad. Yeah. Lad. Is Lad. Is Lad. Is Lad.